युवा राजद की ओर से सामाजिक न्याय के पुरोधा और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सपनों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए युवा नेताओं का प्रशिक्षण नई राह दिखाएगा। 16 और 17 दिसंबर 2023, स्थान बीतला पार्क, पलामू। लालू प्रसाद यादव जी की सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पलामू के बेतला में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में युवा राजद के सभी पदाधिकारियों से आग्रह है कि शिविर में आकर प्रशिक्षित होकर लालू प्रसाद यादव जी की सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने का संकल्प लें। संसद की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़ा हो गया है। यूपी के रहने वाले 2 युवकों ने लोकसभा में दर्शक दीर्घा में छलांग लगाई है। लोकसभा में कुछ ही देर के लिए भगदड़ की स्थिति देखी गई। शून्यकाल के दौरान यह घटना घटी। चल रहा था, अभी 01 हो रहा है, उसी बीच में ऊपर से जंप करके अंदर आ गया और कोई गैस स्प्रेड कर रहा है, स्लोगन भी दे रहा है। ये कह रहा था कि काला कानून, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके से उसने 2-3 बार बोला। लेकिन जब हम लोग मारने पीटने लगे तो उसका जो स्लोगन था वो बंद हो गया और उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी के हवाले। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बड़ी सुरक्षा चूक देखी गई। सदन की कार्यवाही के दौरान जब भाजपा सांसद खगेन मुर्मू सदन के पटल पर बोल रहे थे, तभी 2 लोग बाहर से सदन के अंदर आ गए और सदन की सीटों से उछलकर कहीं जाने की कोशिश करने लगे। इन लोगों को सुरक्षा गार्ड ने अपनी हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। घटना का पूरा विवरण देते हुए उद्धव ठाकरे ग्रुप के सांसद अरविंद सावंत ने बताया कि शून्य प्रहर के दौरान 2 लोग कूदे, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोकसभा में संसद चलती, शून्य प्रहर का चल रहा था, उसी में अचानक 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था, येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहाँ हम थे तो बाद में पूरी पकड़ लिया, एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है अभी भी, दूसरे को भी पकड़ा हुआ है अंदर, अब चल रही है। लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किसने दिया। चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कुत्ते आए, पीछे खाली बेंच थे, तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से, बीच में जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए उसमें पकड़ लिया उसको। सरकार के कौन कौन मंत्री थे उसमें? अश्विनी जी थे और अपने और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, 2 मंत्री थे अंदर। इस पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह कहीं ना कहीं चूक तो है। सदन के अंदर हमारे सारे MPs जितने साथी है वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे MPs उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है, तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। अब ये गैस का एनालिसिस से पता चलेगा कि ये एक आम गैस है या कोई टॉक्सिक गैस है। इतना सीरियस लैप्स हुआ आएगा सिक्योरिटी के अंदर, अगर वो जूते में बम रख के ले आते तो क्या होता, बम भी फाड़ सकते थे पार्लियामेंट के अंदर।
कितने सांसद खत्म हो जाते, तो हमें तो सिक्योरिटी के ऊपर भी शिकायत है और हमारी यही दुआ है कि ये गैस टॉक्सिक ना हो। सिक्योरिटी किस बात की है, जब वो जूते में रख के लिया, जूते में रख के तो फिर वो बम भी ला सकता है, जूते में रख के तो कोई हथियार भी ला सकता है, छोटा हथियार। ये पार्लियामेंट है देश की, सब सर्वोच्च पंचायत है, यहाँ पे ऐसी सिक्योरिटी। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।